अगर मैंने सलमान से शादी अपनी मर्जी से की है तो उसको मैंने निभाया भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी दो टके की लड़की के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाए। What relax? तुमने तो अपना फैसला सुना दिया मुझे और मैं यहाँ एक एक दिन तुम्हारे वापसी के गिन रही हूँ। This is not fair. मुझे तो पूरी जिंदगी दाव पेट सिखाए और खुद दुश्मन पार्टी में जाके शामिल हो गए। आप टेबल पर क्या कह रहे थे? वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। चेहरा भले पहचान ना सको, हाँ मगर लहजा जरूर पहचान सकते हो और ये लहजा आपका नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो दानियाल से कहा था कि जब तक रबिया यहाँ पे है तुम्हें बाबा के घर भेज दे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से रबिया डिस्टर्ब हो। तुम्हें तो पता है कि रबिया आजकल किस कंडीशन में है। वो कुछ भी कह सकती है तुम्हें हर्ट करने के लिए और तुम मामा के खलूस पे शक कर रही हो। नूरी, नूरी, मिद्दत से कहो रेडी हो जाए, मैं लाउंज में वेट कर रहा हूँ। अरे मिद्दत तो सुबह ही ड्राइवर के साथ अपने बाबा के घर चली गई थी। ड्राइवर के साथ चली गई? मगर उसको तो मैंने कहा था कि मैं खुद शाम में उसको ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हारी सहूलत के लिए गई होगी ना ड्राइवर के साथ। शी प्रोबब्ली डिडंट वांट टू बदर यू। आप उसकी हिमायत कर रही हैं और रात में वो आपके खलूस पे शक कर रही है। उसको ये लगता है कि शायद आप उसको इस घर में रहने ही नहीं देना चाहती। तो तुम मोहब्बत से उसकी गलतफहमी दूर करो ना। After all, you do love the woman. मामा, मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि मैं उसको सर पे चढ़ा लूं। उसको मेरी बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए जब मैं उसको हर बात समझा रहा होता हूँ। वैसे तुम सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से कुछ दिन उसे वहीं रहने दो। उसे समझ में आ जाएगा कि तुम उसके कितने नाज उठाते हो। कदर करेगी वो तुम्हारी। आखिर पूरी दुनिया से लड़के तो तुमने उसे शादी की। Anyway, जूस पियोगे? नहीं मामा, अभी नहीं। मैं फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद फिर पीता हूँ। Okay, go freshen up. Thanks, mom. मैं तुम्हें लेने आया हूँ रबिया। माजी की तमाम बातें और तल्ख यादों को भुलाकर तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। माजी में हमने बहुत सारा वक्त एक दूसरे की ईगो को शिकस्त देने में गुजार दिया, मगर अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी अपनी ईगोस को दिल से निकाल कर मोहब्बत को दिल में जगा दें। क्या मेरी किसी भी बात पर तुम्हें कोई एतराज है? समान, अब जब तुम खुद चल के मुझे लेने आए हो तो एतराज किस बात का? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तुमने सबके सामने मेरा मान बढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी, आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू। तो फिर चलें? आगे खाला से मिल लेते हैं, फिर चलते। मैं तो उनसे मिल चुका हूँ। I'll just wait in the lounge. तुम मिला? कहीं जा रही? हाँ, मेरी एनजीओ की मीटिंग है ना, मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम कुछ कहने आई थी? आई एम सो हैप्पी खाला।
आई नो सलमान आ गया तुम्हें लेने। भाई सादिया को बता देना, वो बहुत बेचैन हो रही थी। नहीं उनको अभी नहीं पता, मैं उनको बता दूंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं थक जाती, हार जाती। अरे तुम्हें अपनी खाला पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, जस्ट वेट एंड वॉच, सलमान तुम्हें लेने ज़रूर आएगा। अगर तुम सादिया की बात मान के खुद ही चली जाती तो वो कभी तुम्हारी कदर नहीं करता। वैसे भी एक दफ़ा कोई झुक जाए तो फिर दोबारा तो झुकेगा ना। आई एम सो ग्लैड यू वेटेड। वाकई आलिया खाला आपने बिल्कुल ठीक कहा था। और जहाँ तक थैंक यू करने की बात है, मुझे थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट आई शुड बी थैंकिंग यू। क्यों? अरे तुम्हारे आने से मिद्दत मेरे घर से कुछ अरसे के लिए गई ना। मिद्दत घर चली गई? हाँ ना। अब ये जो फासला आ गया उसके और दानी के बीच, हमें उसे बढ़ाना है किसी तरीके से, ताकि वो हमेशा के लिए हमारे घर से चली जाए। वाओ खाला, फिर तो डबल ट्रीट होगी। ऑफ कोर्स, इस सारे सिलसिले में तुम तो सबसे अहम हो। डबल नहीं ट्रिपल ट्रीट दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? गुड गर्ल। मामा ठीक कहती हैं, मिद्दत वहाँ कुछ दिन रहेगी तो उसे खुद ही मेरी कमी का एहसास हो जाएगा। मोहब्बत मेरा हथियार है, मगर मैंने इस हथियार को खुद ही अपनी कमजोरी बना ली। उसकी नज़र में इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं कि मैंने अपने पेरेंट्स से उसके लिए स्टैंड लिया है, तब से लड़ा हूँ उसके लिए। उसको तो मेरी मोहब्बत पे फख्र करना चाहिए, मगर उसको कोई कदर ही नहीं। शादी को इतना वक्त गुजर गया, मगर आज आज तक उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लोग ठीक कहते हैं, शादी एक जुआ है, मगर क्या मैं ये जुआ हार गया? जी पापा। कहाँ हो, पहुँचे नहीं अभी तक एयरपोर्ट? एयरपोर्ट? एयरपोर्ट किस लिए? अरे बेटा वो मैंने तुमसे कहा था आज सोनिया ने आना है, वो एयरपोर्ट पे बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आई एम सॉरी पापा, मैं भूल गया था, मैं अभी चला जाता हूँ। बल्कि आप एक काम कीजिए, मुझे मिस सोनिया का नंबर टेक्स्ट कर दें। ऑलराइट, जल्दी से जाओ बेटा। थैंक्स पापा, बाय। मिस सोनिया, मैं दानियाल हसन बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, वहीं रहें, मैं पहुँचने वाला हूँ। जी जी रास्ते में हूँ। ओके ठीक है, बाय। शुक्र है भाई, इस टेलर की शॉप के चक्कर तो खत्म हुए, मैं तो बहुत थक गई हूँ। आपी, क्या हो गया, इस तरह स्ट्रेचिंग क्यों हो गई है? ऐसा भी क्या है मोबाइल में? तुम्हारे साथ जल्दी निकलने के चक्कर में मोबाइल घर पे भूल गई थी ना, ये दानियल के 2 मिस कॉल्स आए हुए हैं। लो भाई, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है,
दानी भाई से फोन करके कह दें कि आप बाहर गई हुई थी और मोबाइल घर पे छोड़ गई। वैसे भाई दानी भाई ने बड़ा सब्र कर लिया इस बार, वरना इतने दिन में तो 20 दफा कॉल कर ही लेता। रात को कर लूंगी कॉल। वैसे तुम्हारे दानिल भाई ना वैसे भी इतने कोई मजनू के जानशीन नहीं है जितना तुम समझती हो उनको। अच्छा चले भाई ठीक है, मजनू के जानशीन ना सही, आपसे मोहब्बत तो करते हैं। और मैं पक्का कह सकती हूँ इस वक्त वो आपको बहुत मिस कर रहे होंगे। खैर इतने दिनों बाद इतने दिनों के लिए जो रहने आई है दानिल भाई बड़े अच्छे, जो मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? यही कि आपको मेरी शादी तक यहीं रहने दें। अच्छा तुमने ये बात की थी उनसे? और क्या भाई, तभी तो आप यहाँ पर हैं। वैसे बड़े अच्छे हैं दानिल भाई, मेरी बात फौरन मानकर सबका दिल रखते हैं वो। अच्छा मैं ये शॉप पर रख कर आती हूँ, आप चाय पियेंगे? ठीक है मैं अभी बना के लाती हूँ। ये प्यार है, प्यार है, प्यार है। दानियाल की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अच्छी अच्छी लड़की उससे इंस्पायर हुए बगैर रह नहीं सकती, और सोनिया मिशा और मिथस से ज्यादा स्टाइलिश और दिलकश है। मेरे ख्याल से उसको वहीं रहना चाहिए। अब मैं उसको मनाल की शादी के बाद ही लेकर आऊंगा, वरना उसको लगेगा कि जैसे वाकई हमने रबिया की वजह से उसको घर से भेजा है। ये तो इस दुनिया की हर बेटी करती है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। तो मैंने भी वही किया। मुझे अभी तक तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। तुमने अमेरिका जाके कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, ये जरूर सीखा है कि मुझसे दिल की बात कैसे छुपानी है। Ridiculous. क्या बात है, ये बेजान चीज पर गुस्सा क्यों निकाल रही है? आपने वक्त देखा है, रात के 10 बज रहे हैं और दानियाल का कोई पता नहीं है। मुझे लगता है वो मिद्दत के घर चला गया है। आपकी सारी चाल और मेरी सारी प्लानिंग सब बर्बाद हो चुकी है। समझ नहीं आती है चूहे बिल्ली का खेल कब खत्म होगा। ये चूहे बिल्ली का खेल बस अब खत्म ही समझिए। देखिए होता यह है कि जब आपकी कोई फेवरेट चीज कुछ अरसे के लिए आपकी आंखों से ओझल हो जाती और उसकी जगह उससे कोई बेहतर चीज सामने आ जाती है तो पहले वाली चीज की कदर कुछ कम हो जाती है। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? साफ साफ बात करें ना, क्या हुआ है? असल बात सुनना चाहती हैं आप? दानियाल इस वक्त मिधत के साथ नहीं बल्कि सोनिया के साथ होगा। सोनिया हमारा बिजनेस पार्टनर है नदीम, उसकी बेटी सोनिया बाहर से पढ़ के आई है। उसका मेरे पास फोन आया था, उसने कहा कि मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसे थोड़ा सा बिजनेस टैक्टिक्स सिखाओ। और अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मैंने दानियाल की ड्यूटी लगाई है कि उसे घुमाए फिराए, उसे डिनर कराए, और एक बात तो आप जानती हैं दानियाल की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अच्छी अच्छी लड़की उससे इंस्पायर हुए बगैर रह नहीं सकती, और सोनिया मिशा और मिथस से ज्यादा स्टाइलिश और दिलकश है। तारिक मैं तो अपने आप को बहुत होशियार समझती थी, आप तो मुझसे भी दो हाथ आगे निकले। I'm so impressed. आपने ये सब सोचा ही कैसे? लेकिन ये सब कुछ आपके साथ रहने का ही नतीजा है। Too much. इसका मतलब दानियाल ने मामा के कहने पर नहीं बल्कि मनाल की रिक्वेस्ट पर मुझे यहां रहने का कहा था।
शायद जब भी वो ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारी खुशी को डबल करना चाहता हूँ, पर मैं कितना गलत समझी, जो दिल में आया कहती चली गई। पर अगर मैं यहाँ मनाल की रिक्वेस्ट पर हूँ तो मामा ने क्यों कहा था कि दानियाल ने उनके कहने पर मुझे आने का कहा है? शायद उन्होंने झूठ बोला है और इस सारी सिचुएशन को अपने हक में करने की कोशिश की ताकि मैं दानियाल से बदगुमान हो जाऊं। यही बात होगी, वो मुझे पसंद जो नहीं करती, शायद इसलिए उन्होंने ये सब कहा है। और इसी गुस्से में मैं दानियाल से मिले बगैर यहाँ आ गई, और जब उन्होंने कॉल की तो मैंने रिसीव भी नहीं की। और दानियाल ये समझे होंगे कि मैं अभी तक उसी गुस्से में हूँ, उनसे नाराज हूँ, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, मुझे उन्हें कॉल करनी चाहिए। हाँ दानी। अरे मामा आप। हाँ मैं तुम्हारे लिए दूध लाई थी। मामा आपने क्यों जहमत की, नूरी से कह देती। इसमें जहमत की क्या बात है। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि अब रबिया चली गई है, मेरे ख्याल से तुम्हें मिद्दत को वापस लाना चाहिए, मैं भी उसे बहुत याद कर रही हूँ। नहीं मामा अभी नहीं, मेरे ख्याल से उसको वहीं रहना चाहिए। अब मैं उसको मनाल की शादी के बाद ही लेकर आऊंगा, वरना उसको लगेगा कि जैसे वाकई हमने रबिया की वजह से उसको घर से भेजा है। गुड पॉइंट, दूध पी लो। माय मॉम इज द बेस्ट। अस्सलामुअलैकुम आनी, कैसी हैं आप? अब तो खुश है ना? वालेकुम सलाम। हाँ खुश हूँ, कम अज कम रबिया की तरफ से मुझे काफी इत्मीनान हो गया है। दानी तुमने इतने अच्छे तरीके से बात की सलमान से कि रबिया और सलमान के दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब खत्म हो गई है। लेकिन इस रमीज ने जो ना एक नया झटका दिया मुझे। अच्छा सुनो, तुम्हारी बात हुई रमीज से? नहीं मेरी तो कोई बात नहीं हुई, ऐसा क्या किया उसने? कहता है कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। व्हाई? मगर क्यों? वो समझता है कि अमेरिका में उसका फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, बात जरूर कुछ और है। दानी
तुम जरा बात करो ना उससे, शायद तुम्हें बता दे। आनिया परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगा। ओके बाय। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। बात बेटा, वो इनविटेशन कार्ड सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या कुछ बाकी हैं? अगर है तो दे दो, मैं और मिद्दत बांट देते हैं। बाबा बिल्कुल फिकर मत करें, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हॉल, कैटरिंग सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बाबा, मेरा भाई जो है ना बहुत समझदार हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, अब छोटी छोटी बातों को लेकर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओ मैडम, आप ले आइए चाय, छोड़े मैं खुद दे दूंगी, बड़ी खिदमत की आपने है, इतना ऐश में रखा है हमें, बस अब हमारी बारी है। मैं ये काम करूंगी, वैसे भी चंद दिनों में अपने घर की हो जाऊंगी, कल से तो माइयों में बैठ रही है ये। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आपने भी तो आखिरी आखिरी दिन तक हमारा ख्याल रखा था। ठीक ही तो कह रही है बेटा मिद्दत, तुमने वाकई हम लोगों की कितनी खिदमत की है बेटा, खासकर मेरी। वक्त पे खाना, वक्त पर दवाई, इस्त्री किए हुए कपड़े, हर जरूरत का ख्याल किया तुमने मेरे, ये कोई मामूली बात तो नहीं है बेटा। बाबा मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये तो इस दुनिया की हर बेटी करती है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, तो मैंने भी वही किया। करती होंगी बेटा, जरूर करती होंगी, मगर सारी बेटियां इतनी फरमाबरदार और प्यारी थोड़ी ना होती जितनी मेरी मनाल। बाबा इससे पहले कि आप ही और मनाल के आंसू से चाय नमकीन हो जाए, हमें अपनी अपनी चाय उठा लेनी चाहिए। ये तो तुमने ठीक कहा फवाद। अबे पेल नहीं, स्मार्ट पोल। तू खुद तो मिद्दत के हाथ के खाने खा खा के मोटा हो चुका है, पहले सो रहा है मुझसे। भाईजान, I'm not blind, मुझे स्मार्ट और वीक में डिफरेंस पता चल जाता है, लेकिन तुमने आजकल जो ये कंफ्यूजन फैलाई हुई है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। और ये नया शोशा तुमने क्या छोड़ा है कि तुम पाकिस्तानी होगे, तुम्हें पता है कि आनी कितनी परेशान होगी ये बात सुन के? यार मैं मोबाइल अपना किचन में छोड़ा हूं, मैं तुझसे बाद में बात करूं। भाड़ में गया तुम्हारा मोबाइल, पहले मुझे जवाब दो, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? कम ऑन यार दानी, प्लीज रिलैक्स यार, तू तो मॉम की तरह रिएक्ट ना कर। यार दानी देख, जो फ्यूचर यहां मैं यूएस में बना सकता हूं, वो पाकिस्तान में नहीं बन सकता यार। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं यहां रह रहा हूं ना, मुझे पता है जो कंफर्ट्स और लाइफस्टाइल यहां पे है वो पाकिस्तान में नहीं है यार, ट्रस्ट मी। तुम्हें अमेरिका गए हुए सिर्फ 7 महीने हुए हैं, मैं तुम्हें पिछले 26 साल से जानता हूँ, तुम इस तरह के शख्स हो ही नहीं जो कि लाइफस्टाइल और लग्जरीज के चक्कर में पड़े, बल्कि तुम तो कमिटमेंट, रिलेशनशिप और इमोशंस को अहमियत देते हो। पीपल चेंज दानियाल, पर मैं जिंदगी को एक दूसरी तरह से जीना चाहता हूँ। यू नो व्हाट, आई थिंक यू आर रनिंग अवे, और वो भी उस लड़की से जो तुम्हें पाकिस्तान में मिली थी। ओह कम ऑन यार, दैट इज लाइक सो वे बैक इन द पास्ट, क्या बातें कर रहे है? और तुझे पता है यूएस में मैंने 6 महीने गुजारे हैं ना, इन्होंने मुझे वो सब कुछ भुला दिया, बहुत ग्रूम हो चुका हूं मैं। मुझे अभी तक तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तुमने अमेरिका जाके कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, ये जरूर सीखा है कि मुझसे दिल की बात कैसे छुपानी है। ओके बाय यार। आप ही, मेरी शादी में तो हर चीज का एहतमाम हो रहा है, और आपने आपने तो अपनी शादी में हर चीज के लिए मना कर दिया था। बेटा तुम्हारे और दानियाल के दरमियान कोई लड़ाई या गलत फहमी हो गई?
शिद्दत, मैं कई साल लंदन में रहा हूँ, बहुत सारे चेहरे देखे, नॉर्मल भी चेहरे देखे, खूबसूरत चेहरे भी देखे, मगर तुम्हें देखकर जो मुझे कशिश महसूस होती है वो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। कितनी अजीब सी बात है कि हम सारी दुनिया घूमते हैं मगर हमारे दिल को सिर्फ वही पसंद आता है जो रब ने हमारे लिए चुना हो। आज के दिन तो मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता हूँ, मुझे इजाजत है। मिथुन, I love you. I really love you, Mithun. बहुत पिछली लग रही है, लाइक अ डॉल। अरे तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं, सच्ची। अरे क्या बढ़िया, ये इतना कुछ भेजा है, इतना सारा मेवा, इतने सारे फल, हर किस्म का फल भाई। हाँ इतनी सारी मिठाई, टोकरे टोकरे। मुझसे तो संभाले नहीं जा रहे थे। वो शुक्र है फवाद के इतने सारे दोस्त थे, उनको मैंने बोला आओ मेरी मदद करो। तुम्हारी दोस्त फातिमा वो अभी तक लगी हुई है सईदा बुआ के साथ। 3 घंटे लगे पूरे समेटते समेटते, मगर मैंने बड़ा अच्छा काम किया। एक देखो इतना कुछ भेजा उन्होंने, मैंने घर में रखने के बजाय सारा कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना कुछ रिश्तेदारों में बांट दिया, कुछ गरीब लोगों में बांट दिया। हमारे घर में तो इतना सारा कुछ खाया भी नहीं जाएगा। बहुत अच्छा किया आपने, आपने सबको कार्ड तो भिजवाए थे ना, अपने ससुराल में भी सबको कार्ड दिए थे। हाँ कार्ड तो सबको गया होगा। तो फिर वहां से कोई आया क्यों नहीं? इवन दानियल भाई भी नहीं आए। जिन बातों का कोई हासिल वसूल ना हो उन बातों को करने का कोई फायदा नहीं होता मनहर। दानियल की मामा और खाला तो शायद ना आए। हाँ अगर लड़ना है तो दानियल से लड़िए आप। आप दानियल भाई को बोलिएगा अपने क्या आए क्यों नहीं। आप ही मेरी शादी में तो हर चीज का एहतमाम हो रहा है और आपने आपने तो अपनी शादी में हर चीज के लिए मना कर दिया था। ये बरी, मेहंदी, बारात का इंतजाम, ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी आपकी शादी में नहीं हुआ था। आपने हर जगह हमारे लिए कुर्बानी दी। इवन अम्मी का जो रखा हुआ सेट था वो भी आपने मुझे दे दिया। देखो तुम बाबा के बाकी सबसे प्यारी तितली हो, इसलिए तुम्हारा ज्यादा हक बनता है ना। रही बात कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो रही है, मेरी शादी सादगी से हुई, तो सारा फर्क दौलत का है।
उस वक्त शायद बाबा जितना भी एहतमाम कर लेते, दानियाल की फैमिली से मुकाबला तो मुमकिन ही नहीं था। तो जो होता है बेहतरी के लिए होता है, मानती हो ना? पापी, आप वहां खुश तो है ना? दानियाल भाई के मम्मी पापा, उनकी कजन तो बहुत प्राउड से लगते हैं। सच्ची बताऊं, मनाल में पहले खुश नहीं थी। हाँ, क्योंकि उनके रवैये की बातें मुझे बहुत हर्ट करती थी समटाइम्स, क्योंकि बाबा ने हमारी परवरिश बहुत सादे अंदाज से की है ना। जाहिर है, मगर अब मैं खुश रहूंगी। हर लम्हा मैं खुश रहूंगी, क्योंकि दानियाल मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे। I love you, Abhi. I love you too. बाबा के बाग की तितली, उड़ के दिखाओ। चलो, हैं? ये देखो तितली के ऐसे रंग होते हैं ना, पिंक, ग्रीन, येलो। चुप, पॉलिश बेबी है मेरी, हैं? या अल्लाह, मेरी नन्ही बहन को हमेशा खुश रखना। जो तकलीफें मुझे मेरी जिंदगी में मिली, इसे छूकर भी ना गुजरे। आमीन। बेटा, आप दानियाल की तबीयत तो ठीक है ना? वो तुमने उसे फोन वगैरह किया? वो मनाल के मायों में भी नहीं आया बेटा। जी बाबा, कल फोन किया था मगर बात नहीं हो सकी, उनका फोन बिजी जा रहा था। मतलब बेटा, तुम्हारे और दानियाल के दरमियान कोई लड़ाई या गलतफहमी हो गई? आजकल दानियाल भाई का ज़्यादातर वक्त किसी सोनिया नदीम के साथ गुजरता है। हो सकता है वो इसीलिए बिजी हों, आपका फोन अटेंड ना कर पाते हों। वैसे भी डार्लिंग, कढ़ाई में घी आया कहाँ से? ऑब्वियसली दानियाल हसन की जेब से ना, वरना इनकी कहाँ औकात कितनी बड़ी शादी करें धूमधाम से। बिलीव मी मिथत, मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया, वो तो वक्त की साजिश थी कि तुम्हें तवज्जो ना दे सका। आज भी उस घर का ख्याल तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं और ये घर तो बाद में आते हैं। तुम्हें क्या पता कि घर किस तरह बनाया जाता है? तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी आलिया हसन जैसी हाई सोसाइटी वाली औरतों को फॉलो किया है। घर बनाना सीखना है तो मेरी माँ और मिद्दत जैसी औरतों से सीखो।